कांग्रेस में सियासी घमासान के समय विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायकों को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर पिछले 20 दिनों से बयान देते आ रही है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को ज्ञापन देकर इस्तीफों को लेकर बनी गफलत को दूर करने की मांग की है। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं है, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए, आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है निर्णय लेके जनता के सामने रखो। त्याग पत्र की नौटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पुनिया ने कहा कि हमने कांग्रेस विधायकों के पाखंड पर निर्णय लेने के लिए गुहार लगाई है क्योंकि सरकार अल्पमत में दिख रही है और बटी हुई है। हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है, तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेलियर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान की ओर से राय शुमारी के लिए 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे और अलग से बैठक कर स्पीकर सीपी जोशी को अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस सरकार को नियमों के तहत अल्पमत बताकर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस दबाव के बाद स्पीकर सीपी जोशी क्या फैसला लेते हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।